तुम से सिर्फ एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल जंग में भले ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी कम नहीं है और यूक्रेन के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच जंग में यूक्रेन की सीक्रेट ट्रेनिंग से पुतिन की सेना टेंशन में आ गई है। खबर यह है कि खार्किव में किसी खुफिया जगह पर नेटो ने ट्रेनिंग कैंप लगाया है और इसके बाद यूक्रेन के सैनिक, गार्ड और आम लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है। पेड़ के पीछे छिपकर फायरिंग का अभ्यास, जंग में दुश्मन से लोहा लेने की कड़ी ट्रेनिंग, महाजंग के बीच ये कड़ी ट्रेनिंग यूक्रेन के लोगों की है। इस ट्रेनिंग को देखकर पुतिन के सैनिक बौखला जाएंगे, क्योंकि इसमें रूस के सैनिकों को मार गिराना है, कैसे उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है, सारे गुण सिखाए गए। इस कड़ी ट्रेनिंग में यूक्रेन के सैनिकों, वहां के गार्ड समेत आम लोग भी शामिल दिखे। खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नेटो देशों की सेना के कई कमांडर अंजाम दे रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के लोगों की यह कड़ी ट्रेनिंग खार्किव के किसी ऐसे गुप्त इलाके में हो रही है जिससे पुतिन की फौज अनजान है। चूंकि खार्किव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इस खास सैन्य अभ्यास को यहां अंजाम देना पड़ा। खार्किव रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है, ऐसे में यहां यूक्रेन को काफी मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है। वहीं इस समय खार्किव में हालात भी जुदा हैं, क्योंकि पुतिन की सेना खार्किव के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। खार्किव को खंडहर बनाने पर रूस की फौज लगी है, ऐसे में खार्किव के लोगों को लोहा लेने के लिए कड़ी सैन्य ट्रेनिंग की जरूरत थी। वहीं पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक 24 फरवरी को रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। 24 फरवरी को युद्ध को एक साल पूरा हो जाएगा और इस दिन पुतिन की सेना ने हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग की है, ऐसे में यूक्रेन के सैनिकों को और मजबूत होने की जरूरत है।